गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? आर यू फाइन? वेरी गुड. आई एम ऑल्सो फाइन. टुडे वी विल डिस्कस सब्जेक्ट जीके एंड टॉपिक नेम इज इलेक्ट्रॉनिक वर्ड. यानी उसके पहले हमने जीके के वीडियो में फ्लावर्स के बारे में जाना था. आज हम इलेक्ट्रॉनिक वर्ड के बारे में जानेंगे. इलेक्ट्रॉनिक वर्ड यानी आपको पता है कि जो लाइट से स्टार्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वर्ड. अंडरस्टैंड? तो आपका फर्स्ट, आपको मैं क्वेश्चन करूंगी. कैसे मैं क्वेश्चन करती हूँ, कैसे मैं आंसर देती हूँ एंड कैसे मैं स्पेलिंग बोलती हूँ, वो आपको सबको ध्यान से सुनना है. सो लिसन टू केयरफुली. ओके स्टूडेंट्स? ओके. व्हाट इज दिस? दिस इज अ फैक्स मशीन. क्या आएगा? दिस इज अ फैक्स मशीन. फैक्स मशीन के बारे में अगर आपने कहीं पे देखा हो, अगर आपने पेरेंट्स ने कहीं पे देखा हो, तो आप उसके साथ डिस्कस करेंगे कि कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है. अंडरस्टैंड? उसके बाद है सेकंड पिक्चर में. व्हाट इज दिस? इज सेकंड पिक्चर. व्हाट इज दिस? दिस इज अ माइक्रोवेव ओवन. क्या बोलते हैं उसको? दिस इज अ माइक्रोवेव ओवन. माइक्रोवेव ओवन, उसको हम सिर्फ ओवन बोलते हैं. आपको पता है किस में यूज़ होता है? बिस्किट बनाने में, पिज़्ज़ा बनाने में, है ना? घर में हम सिर्फ ओवन बोलते हैं, बस उसका पूरा नाम क्या है? माइक्रोवेव ओवन. उसके बाद है थर्ड. व्हाट इज दिस? दिस इज अ ओटीजी. फोर्थ है, व्हाट इज दिस? दिस इज अ जूसर मिक्सचर ग्राइंडर. क्या बोलेंगे? जूसर मिक्सचर ग्राइंडर. उसके बाद है, व्हाट इज दिस? दिस इज अ वीडियो कैमरा, जो आपका सबका फेवरेट है ना? वीडियो कैमरा एंड वीडियो गेम. यस. उसके बाद है, व्हाट इज दिस? दिस इज अ वैक्यूम क्लीनर. क्या बोलते हैं उसको? वैक्यूम क्लीनर. क्लीनर आपको पता है, साफ सफाई करना. उसके बाद है, व्हाट इज दिस? दिस इज अ डीवीडी प्लेयर, जो हमें सबको अच्छी लगती है ना. उसके बाद है, दिस, व्हाट इज दिस? दिस इज अ लैपटॉप. क्या आंसर आएगा? दिस इज अ लैपटॉप. आपको स्टूडेंट्स देखना है कि मैं व्हाट इज दिस से क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ एंड दिस इज से आंसर देती हूँ, तो केयरफुली सुनना है. ओके. उसके बाद है, व्हाट इज दिस? दिस इज अ एलओपीओडी. दिस इज अ एलपीओडी. उसके बाद है, व्हाट इज दिस? दिस इज अ हेयर ड्रायर. यानी लेडीज बहुत यूज करती है ना. यस. व्हाट इज दिस? दिस इज अ वॉकमैन. एंड लास्ट वन, व्हाट इज दिस? दिस इज अ टोस्टर. क्या आंसर आएगा? टोस्टर. तो स्टूडेंट्स, ये सब आपको 12 इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड दिए गए हैं. वो वर्ड के बारे में क्या करना है, उस वर्ड्स के बारे में आपको जानना है और उसकी स्पेलिंग रेडी करने की है. ये 12 के 12 वर्ड आपको नोटबुक में लिखने के हैं. और इसके अलावा भी आपको, यानी 15 आपको 9 इसमें से देख के लिखना है और 6 न्यू लेके आना है, जो उसके साथ यानी 1, 5, 15 आप स्पेलिंग लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक वर्ड के स्पेलिंग लिखोगे. अंडरस्टैंड? और साथ में क्या करोगे? रेडी करोगे ताकि आपकी इंग्लिश वोकेबुलरी बढ़ती जाए. ओके. और आपको आज की ये लिखना भी है, स्पेलिंग भी रेडी करने हैं की है, और आज की आपकी एक छोटी सी गेम खेलना है. आपको इस पिक्चर को देखकर आपके सिस्टर या ब्रदर या आपके पेरेंट्स को बिठाना है और उसको पूछना है कि व्हाट इज दिस, तो आपके पेरेंट्स आपको आंसर देंगे ताकि आपको ये रीड करना भी आ जाए. ओके. और जैसे आपके पेरेंट्स पूछे तो आप भी आंसर दे सकते हो, ऐसे छोटी सी एक गेम भी खेली जाती है. ओके स्टूडेंट्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय एंड टेक केयर.